क्या आप इस विंटर में उतना पानी पीते हो जितना आपको पीना चाहिए? लोग अक्सर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस विंटर में टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तो लोग कम थर्स्टी फील कर पाते हैं, इसीलिए वो कम पानी पीते हैं तो वो डिहाइड्रेशन के शिकार रहते हैं। डिहाइड्रेशन एक हिडन थ्रेट है इस एस्पेशली इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन डिक्रीज्ड रहता है तो लोगों को जो साइंस है सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन के वो कॉमन नहीं आ पाते, इसीलिए लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि हम डिहाइड्रेशन के शिकार हैं। हम इस वीडियो में कुछ साइंस आपको बताएंगे डिहाइड्रेशन के जो आपको देखने चाहिए कि वो आप पे तो नहीं है। अगर वो आप पे है तो उस पे काम करो, पानी पियो और अपने आप को हेल्दी रखो, क्योंकि जितना पानी हमें ज़रूरत है समर्स में उससे ज़्यादा हमें विंटर्स में ज़रूरत होता है। चलिए देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर आपका मुंह सूखा या स्टिकी हो तो आप समझ जाइए कि आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर आपका स्किन ड्राई है और उस पर इचिंग हो रही है तो आप समझ जाइए यू आर इन द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर आप थर्स्टी फील कर पा रहे हो, अगर आपको हेडेक है तो आप समझ जाइए कि आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर आप टायर्ड फील करते हो, ज़्यादा नींद आती है और लेस एनर्जेटिक फील करते हो, एस्पेशली ये पाया जाता है एल्डर्स में और चिल्ड्रन्स में, अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप समझ जाइए कि आपके ये आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। अगर आपके यूरिन का कलर डार्क है या कम यूरिन आता है लेस देन 4 times a day तो यू आर इन द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर आपको वीकनेसेस है या अगर आपको मसल वीक हो रहे हैं तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो। अगर आपके सनकिन या ड्राई इची आइज है तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है या कॉन्स्टिपेशन है तो आप समझ जाइए कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि डिहाइड्रेशन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर आपको फीवर है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यूरिन आ ही नहीं रहा है और आप फेंट हो रहे हो, ये एस्पेशली एल्डर्स में या चिल्ड्रन्स में हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप एक मेडिकल केयर ज़रूर लें, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ज़रूर विज़िट करें। इस विंटर में पानी क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी 50-70% वाटर की बनी है। वाटर हर एक सेल में यूज़ किया जाता है, हमारे टिश्यूज़ हमारे सेल्स वाटर की ही बनी है, क्योंकि वाटर की मदद से हमारे न्यूट्रिएंट्स एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में ट्रैवल करते हैं और हर एक टॉक्सिन मटेरियल पानी की ही वजह से हमारे बॉडी से आउट हो जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग एट्सेट्रा। अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी 2500 ml ऑफ वाटर इन वुमेन एंड 3000 ml ऑफ वाटर इन मैन लॉस्ट करती है डेली। इस विंटर में अगर हम हैवी वर्क भी कर ले या बहुत सारे कपड़े भी पहन ले, हमें ऐसा लगता है कि हम स्वेट कर ही नहीं पाते, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हम स्वेट कर पाते हैं लेकिन कोल्ड एंड ड्राई एयर होने के वजह से जो बहुत जल्दी इवाप्रेट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम स्वेट हो ही नहीं पा रहे हैं, और कोल्ड वेदर की वजह से हम बहुत ज़्यादा थर्स्टी ही फील नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमारी जो साइकिल फिज़िकली जो डिमांड है थर्स्टी हम जो फील करते हैं वो हम ज़्यादातर विंटर्स में बहुत ही कम कर पाते हैं, इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ता है। ग्रेटर रिस्क पे कौन है? चिल्ड्रन्स एंड इन्फेंट्स आर पर्टिकुलरली एट ग्रेटर रिस्क, क्योंकि उनकी बॉडी स्मॉल होती है, वेट कम होता है और उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर वो थोड़ा सा भी डायरिया या वोमिटिंग कर पाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडल्ट्स। एल्डर लोग अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वीक हो जाती है, उनकी किडनी की फंक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है तो वो ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं कर पाती तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और वो लोग जो ज़्यादा मेडिकेशन पे होते हैं, जो ज़्यादा मेडिसन्स खाते हैं, तो उनको भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जो ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट में खाते हैं सच एज एटकिन्स, इनको भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, या वो लोग जो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं
ड्रिंक्स लाइक टी कॉफ़ी, ये भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। वो लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है या फीवर ज़्यादा हो जाता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम इस डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं? पहला पॉइंट, जितना हो सके उतना पानी पियो दिन में। जहाँ भी हो सके वहाँ पानी पियो। एक वाटर बोतल अपने साथ में ले लो, जहाँ पर टाइम मिले वहाँ पर पानी पी लो। मिनिमम 8 ग्लासेस दिन में पानी पिया करो। दूसरा पॉइंट, अगर आप थर्स्टी फील भी नहीं कर पाते तब भी आप पानी पिया करो, क्योंकि इस विंटर में आप थर्स्टी नहीं फील कर पाओगे, लेकिन आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आप लूज़ वाटर करते हो इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तीसरा पॉइंट, आप डायुरेटिक ड्रिंक्स टोटली अवॉइड ही कर लो, लाइक टी कॉफ़ी अल्कोहल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। और जितना हो सके उतना वाटर पी लो या ऐसे फ्रूट्स खा लो जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन होती है। तो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपको कोई बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी। और हाँ, जिस भी फॉर्म में आप पानी पियोगे, लाइक जूस, लाइक फ्लूड्स, एनी फ्लूड, आपको पीना ही पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि यही एक वे है हेल्दी लाइफ जीने के लिए इस विंटर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।